तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड स्वागत है आपका हमारे रोहित फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम करने वाले हैं ये वाली फोटो एडिटिंग जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में आपको जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी चाहिए उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मुझे फॉलो करना ना भूलिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, क्योंकि मैं जो भी फोटो एडिट करता हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं उसको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे डालता हूँ। तो प्लीज़ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस, मुझे ऐसे एडिटिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड इस वीडियो का लाइक है मैंने रखा है 20 लाइक, सो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दिया करो, क्योंकि गाइस मेहनत लगती है एंड हमको भी अच्छा लगता है कि कोई हमारी वीडियो पसंद करता है, तो इसलिए हम वीडियो बनाते। तो गाइस, हम चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आपको सारे बैकग्राउंड एंड पीएनजी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय रोहित फोटोग्राफी चैनल। एंड आज हम करने वाले गाइज ये वाली फोटो एडिटिंग। ये इस फोटो एडिटिंग में आपको जो भी बैकग्राउंड सेट पीएनजी चाहिए उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे एंड आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। एंड मुझे फॉलो करना भी मत भूलना इंस्टाग्राम पर। चलिए हम चलते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। सो गाइज, पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, ये प्लस के आइकॉन पर टैप करना है एंड ऑल फोटोज़ पे टाइप करना है। एंड हमको लेना हमारा बैकग्राउंड जो कि ये रहा। एंड मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ कि इस फोटो एडिटिंग में आपको जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी चाहिए उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड एंड पीएनजी के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो चलते हैं हम अब ऐड फोटो पे एंड अपने मॉडल पीएनजी को ऐड करते हैं जो कि हमने फ़ोटो कटिंग किया है। आपको भी कुछ उसी पोज में फ़ोटो खींचा लेना है। सो ये रही। एंड इसको करते हैं हम थोड़ा सा रोटेट, यहाँ पे करते हैं थोड़ा छोटा। ओके, अब जाते हैं इरेज के आइकॉन पे, ऊपर करते हैं, जूम करते हैं, हार्डनेस ओपेसिटी को थोड़ा माइनस रख के कर देते हैं इसको इरेज। सो गाइस, हमारा इरेज हो चुका है। अब हम इसी को राइट कर देते हैं एंड यहाँ से भी राइट करते हैं। अब हम जाते हैं फिर से ऐड फोटो पे। एड फोटो पे जाने के बाद गाइस, हम लेते हैं हमारा बैकग्राउंड फिर से वही वाला जो कि ये रहा। एंड इसको कर लेते हैं गाइस क्रॉप। अब राइट कर देते हैं एंड इसको कर लेते हैं पहले बड़ा। एंड इसको लेके आते हैं नीचे। ओके, एंड अब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ इरेज के आइकॉन पे जाते हैं, इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी कम करते एंड अब यहाँ से हम इस फोटो को करते इरेज। सो गाइस, अब हमारी फोटो हो चुकी है डन। अब हम करते हैं यहाँ से राइट एंड यहाँ से भी राइट। सो गाइस, अब हम लेते हैं एक और पीएनजी। जो कि ये रहा। एंड इसको कर लेते हैं अपने बॉडी पे लगा लेते हैं। एंड यहाँ से राइट कर देते हैं एंड हम जाते फिर से एड फ्लो पे एंड लेते हैं एक और पीएनजी और ये रहा। इसको कर लेते हैं खाली। आपको इस पीएनजी को खाली करना है बड़ा। एंड अब कर देते हैं यहाँ से राइट एंड अब जाते फिर से एड फ्लो पे। एंड फोटो पे जाने के बाद हमारे पास एक ब्लड का पीएनजी जो कि ब्लड निकल रहा है उसका पीएनजी, इसको कर लेते ऐड एंड इसको करते जूम एंड इसको यहाँ पे लगा लेते। हम यहाँ से कर देते ओके, फिर से आते हैं ऐड फोटो पे। एक लेंस फ्लेयर पीएनजी है, वो पीएनजी को लेते हैं एरा। इसको करते हैं ऐड एंड इसको थोड़ा चपटा कर लेते हैं, यहाँ से रोटेट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। जाते हैं ब्लेंडिंग मोड पे, यहाँ से करते हैं इसको स्क्रीन।
एंड अब यहाँ से कर देते ओके। तो अब हमारा फोटो हो चुका है एडिटिंग एंड अब हमारा सेकंड काम आता है लाइट रूम में। तो चलिए चलते हैं हम लाइट रूम की तरफ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस पहले फोटो को कर लेते हैं सेव। सेव करने के लिए हम जाते हैं ड्रॉ टूल पे, ड्रॉ सिलेक्ट करते हैं, थ्री डॉट पे टैप करेंगे, सेव टू इमेज करेंगे तो फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब हम चलते हैं लाइट रूम में, इसको कलर करेक्शन करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लाइट रूम में। सो लाइट रूम में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बगल में जो ऐड फोटो का आइकॉन है उस पर टैप करते हैं एंड जो हमने फ़ोटो एडिट की हुई है उस फोटो को कर लेते हैं सिलेक्ट, जो कि कहाँ है ये रही, इसको कर देते ऐड। देखो देखिए हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली हो चुकी है ऐड एंड अब हम जाते हैं ऑल फोटोज़ पे एंड करते हैं अपनी इमेज को सिलेक्ट एंड हम देते हैं इसको रियलिस्टिक वाला लुक। तो पहले जाते हैं हम क्लैरिटी के ऑप्शन पे, इसकी क्लैरिटी को इंक्रीज करते हैं, फुल कर देते हैं, विग्नेट को माइनस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, मिक्स टूल पे जाते हैं, ऑरेंज सेलेक्ट करते, अपनी बॉडी की सेचुरेशन को करते एडजस्ट एंड रेड कलर को भी सेचुरेशन देते हम कर देते हैं यहाँ से डन। डन करने के बाद हम जाते हैं ये वाले ऑप्शन पे एंड इसके एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, कंट्रास्ट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब हम जाते हैं साइडमिक टूल पे, थोड़ा शार्प कर देते हैं अपनी फ़ोटो को एंड थोड़ा नॉइस रिडक्शन दे देंगे ताकि हमारी फ़ोटो में स्मूथनेस वाली फीलिंग आ जाए एंड अब हमारी हो चुकी फ़ोटो डन। थोड़ा लोड ले रहे हैं, हाँ देखिए हमारी फ़ोटो की क्लियरिटी ज़रा सी भी नहीं घटी है, एकदम क्लियरिटी हार्ड है। एंड अब इस फोटो को सेव करने के लिए हमें को क्या करना है गाइस, यहाँ थ्री डॉट पे टैप करेंगे, सेव टू डिवाइस करेंगे, आपके फ़ोन में जो भी हाई क्वालिटी अवेलेबल होगी उस क्वालिटी में फ़ोटो सेव हो जाएगी, ओके कर देंगे। एंड गाइस जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे एंड मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो चलते हैं हम, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।